आज हम लोग लिफ्टिंग एंड ट्रांसफरिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि लिफ्टिंग क्या होता है, ट्रांसफरिंग मतलब लिफ्टिंग मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेशेंट कोई ना कोई इंजरी हो या कहीं ना कहीं किसी पेशेंट को क्या करना है, हमें वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर शिफ्ट करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको लिफ्ट करते हैं या ट्रांसफर, मतलब कहीं ना कहीं वन पेशेंट को अनदर किसी वार्ड में भी ले जाना या कहीं और जगह शिफ्ट करना, उसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांसफरिंग। तो ये हम दोनों के बारे में डील करेंगे। तो ये तो फर्स्ट क्या इसमें दिया है कि लिफ्टिंग इज अ टेक्निक वाइज द पेशेंट इज मूव जेंटली एंड द सेफ। तो इसमें क्या करना है हमें कि पेशेंट को हमें क्या करना है, अच्छे से मूव करना है, सेफली या जेंटली क्या करना है, मूव करना है, एंड क्या है, सेफ बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल। और क्या करना है उसको, पेशेंट को सेफली क्या करना है, मूव करना है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो जिससे कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, साथ ही साथ जो उनको शिफ्ट करने वाले जो वर्कर्स हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम। इस तरह से हमें क्या करना है, पेशेंट को अच्छे से कहीं ना कहीं किसी वार्ड में शिफ्ट करना है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफरिंग या लिफ्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके पर्पस, ये जो लिफ्टिंग एंड ट्रांसफरिंग के क्या पर्पज़ हैं। तो फर्स्ट दिया है टू प्रमोट दी टास्क एफिशिएंटली। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी टास्क है उसको अच्छे से इजीली क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। उस कंडीशन में क्या करना, अच्छे से उसको ट्रांसफर, जैसे कहीं ना कहीं किसी पेशेंट को हमें ओटी में ट्रांसफर करना है या कहीं ना कहीं आईसीयू वगैरह में शिफ्ट करना है, तो उस कंडीशन में इसकी नीड होती है पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए नीड। नेक्स्ट आपका क्या है, टू अवॉइड दी पेशेंट फ्रॉम द अननेसेसरी इफर्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट का जो अननेसेसरी इफर्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, क्योंकि हम उसे प्रॉपरली व्हील चेयर की हेल्प से या स्ट्रेचर की हेल्प से अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर इजिली शिफ्ट कर पाएंगे। तो पेशेंट को कोई भी इफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा और अच्छे से हम इजिली क्या कर सकते हैं, पेशेंट को वन वार्ड टू अनदर वार्ड में इजिली शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट नर्व्स फॉर द स्टैंड एंड द बैक इंजरी। हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट के जो स्टैंड ले रहे हैं उसको कम कर सकते हैं या उसका जो भी लोड है उसको कम कर सकते हैं, साथ ही साथ उनकी बैक इंजरी को भी रिड्यूस कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हम पेशेंट को बार बार लिफ्ट करते हैं या कि ना नॉर्मली किसी ना इक्विपमेंट के बिना, तो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, बॉडी पर प्रेशर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं बैक इंजरी हो सकता है या नर्व्स पर बहुत ज़्यादा लोड हो सकता है, तो उनको हम कम कर सकते हैं लिफ्टिंग की हेल्प से। नेक्स्ट है टू प्रमोट कंफर्ट टू दी पेशेंट। पेशेंट को हम प्रोवाइड कर सकते हैं कंफर्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी व्हील चेयर या स्ट्रेचर का यूज़ करते हैं पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए, तो पेशेंट को क्या होगा, एक कंफर्ट फील होगा। अगर हम नॉर्मली उसको बैठा के या ले जा चल के ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं पेशेंट को डिसकम्फर्ट फील होगा या उसको कोई और प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकता है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इस पेशेंट को कंफर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं जब व्हील चेयर या स्ट्रेचर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लिफ्टिंग क्राइटेरिया, कि लिफ्टिंग के क्या क्या क्राइटेरिया या क्या क्या कंडीशन होती है अगर हम किसी पेशेंट को लिफ्ट कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं एक प्लेस या अदर प्लेस के लिए लिफ्ट करने समय क्या क्या क्राइटेरिया। तो फर्स्ट है आपका पोजीशन ऑफ दी वेट, कि जो वेट की जो पोजीशन है उसको अच्छे से फिक्स करना है, मतलब जो भी कहीं ना कहीं बेड, जो भी पेशेंट कहीं ना कहीं बेड के पास है तो उसकी क्या करना है कि जो हमारी लिफ्टिंग है, जो भी लिफ्टिंग मशीन है, जो भी हम लिफ्ट के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उसको प्रॉपर एक प्रॉपर पोजिशनिंग में रखना है, जिससे कि हम जो भी मटेरियल उठाने वाले जो भी इंडिविजुअल को शिफ्ट करना है ईजिली उसको शिफ्ट कर पाए। नेक्स्ट है हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट, तो जो भी है उसको एक प्रॉपर इक्वल हाइट में रखना जिससे कि पेशेंट ईजिली बेड से हम उस इक्विपमेंट से जो स्ट्रेचर पर ईजिली शिफ्ट कर सकें। देन आपका क्या है मैक्सिमम वेट, कि अगर मैक्सिमम वेट मतलब सिंपल सा बोल सकते हैं कि एक पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए मैक्सिमम 3 लोग होना चाहिए, 3 पर्सन का हम क्या करेंगे हेल्प लेना है जब हम पेशेंट को इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमें कितना, अगर कोई एक इंडिविजुअल जिसका वेट कहीं ना कहीं कितना है आपका 60 या 70 kg, तो उसको एक नॉर्मली 3 लोग अच्छे से ईजिली क्या करेंगे शिफ्ट करेंगे, तो इसका एक मैक्सिमम वेट। नेक्स्ट है बॉडी पोजीशन, हमें क्या करना है बॉडी की जो भी पोजीशनिंग है उसको प्रॉपर पोजीशनिंग करना, जैसे कहीं ना कहीं उसको एक प्रॉपर साइड में शिफ्ट करना, जैसे कि वो कहीं ना कहीं मिडिल में या सेंटर में है तो उसको हमें क्या करना है एक साइड में शिफ्ट करना, जिससे कि ईजिली हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं लिफ्ट कर सकते हैं। तो जो कुछ क्राइटेरिया है पेशेंट को लिफ्ट करने की, मतलब कहीं ना कहीं उसका क्या करना है पोजीशनिंग ऑफ बेड, बेड की क्या करना है एक पोजीशनिंग देना जिससे कि पेशेंट को ईजिली कंफर्टली क्या कर सकें शिफ्ट कर सकें। नेक्स्ट है जो भी ऑब्जेक्ट है उसको एक इक्वल हाइट में रखना जिससे कि हम क्या करें पेशेंट को ईजिली शिफ्ट कर सकें। नेक्स्ट मैक्सिमम वेट, कि मतलब कहीं ना कहीं 3 पर्सन क्या करेंगे एक पेशेंट को शिफ्ट करने में हेल्प करें जिससे कि ईजिली उसको लिफ्ट कर सकें और पेशेंट को शिफ्ट कर पाए। नेक्स्ट आपका बॉडी पोजिशन, प्रॉपर बॉडी को पोजिशन करें, जैसे कि उनको नी से क्या करना है बैंड करना है या हल्का सा कहीं ना कहीं क्या करना है उसको नेक से हल्का सा चिन से हल्का बैंड, जिससे कि कहीं ना स्पाइनल इंजरी से होने से हम प्रिवेंट कर सकें। तो ये कुछ क्राइटेरिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल, ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ लिफ्टिंग, कि लिफ्टिंग के क्या क्या जनरल प्रिंसिपल्स होंगे। तो फर्स्ट है आपका पोजिशन योर सेल्फ, तो मतलब कहीं ना कहीं हम अगर पेशेंट को कहीं ना कहीं शिफ्ट कर रहे हैं या लिफ्टिंग कर रहे हैं तो अपने आप को एक प्रॉपर पोजिशनिंग देना है जिससे कि हम पेशेंट को अच्छे से कंफर्टेबली क्या कर सकते हैं लिफ्टिंग कर सकते हैं या पेशेंट को कंफर्टेबली एक प्रॉपर पोजिशनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। देन आपका क्या है कीप योर स्ट्रेंथ, क्या करना है आपको, आपको ये स्ट्रेट अपने आप को कैसे रखना है स्ट्रेट रखना जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कहीं ना कहीं हम लिफ्ट कर रहे हैं तो कोई ना कोई पेशेंट को डिस्कम्फर्ट
फील ना, तो स्ट्रेट रखना है। देन क्या है, लिफ्ट विद दी लेग मसल्स, तो लेग मसल्स से हमें क्या करना है, लिफ्ट करना है, जिससे कि पेशेंट को कोई ना कोई डिस्कम्फर्ट फील ना हो और अच्छे से और ईजिली हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र या कहीं ना कहीं अनदर वार्ड में शिफ्ट कर पाएंगे। देन क्या है आपका ट्रंक, वो ट्रक योर चिन, चिन को क्या करना है, ट्रक करना, जिससे कि हम स्पाइनल इंजरी होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर कहीं ना कहीं बैक के लिए रहेगा तो कहीं ना कहीं स्पाइनल इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांस है, तो चेन को क्या करना है, ट्रक करना, जिससे कि हम इजीली क्या कर सकते हैं, पेशेंट को स्पाइनल इंजरी होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। यूज़ रॉकिंग मूवमेंट, क्या करना है हमें, रॉकिंग मूवमेंट्स का यूज़ करना, जिससे कि पेशेंट को अच्छे से ईजिली हम कम्फर्टेबली क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर पाएँ या लिफ्ट कर सकें, तो हमें रॉकिंग मूवमेंट का यूज़ करना है। नेक्स्ट है होल्ड दी लोड क्लोज, तो जो भी लोड है, जो भी वेट है, उसको क्लोज से होल्ड करना है, मतलब पास से उसे अच्छे से पकड़ के रखना, होल्ड करके रखना, जिससे कि वो कहीं ना कहीं ड्रॉप ना, स्लिप ना, जिससे कोई इंजरी ना हो, तो इस तरह से हमें क्या करना, उसको होल्ड करके रखना है। नेक्स्ट है आपका डोंट ट्विस्ट एंड बेंड, तो हमें कहीं ना कहीं पेशेंट को ट्विस्ट एंड बेंड नहीं करना है, ट्विस्ट एंड बेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसल्स इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जब हम किसी पेशेंट को क्या कर रहे हैं, लिफ्टिंग करते हैं, उस समय हमें ये कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या प्रोसीजर, कि अगर किसी पेशेंट को हम लिफ्टिंग कर रहे हैं तो हमें कौन कौन से ये प्रोसीजर को कैसे फॉलो करेंगे। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, हैंड वॉश करना है। देन हमें क्या करना है, पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करना है, जिससे कि पेशेंट को हम प्रोसीजर अप्लाई करें तो कहीं कोई ना कोई डिफ़िकल्टी ना हो। देन हमें क्या करना है, पेशेंट को जो भी बेड या व्हील चेयर यूज़ करें उनको एक प्रॉपर पोजिशन में रखना है, जिससे कि पेशेंट को ईजिली हम क्या कर सकते हैं, उसको शिफ्ट कर पाएँ व्हील चेयर या किस पे स्ट्रेचर पे अच्छे से शिफ्ट कर पाएँ। देन हमें क्या करना है, पेशेंट को कहीं ना कहीं अच्छे से होल्ड करके क्या करना है, मूव करना है, या कहीं ना कहीं पेशेंट की पोजीशन को चेंज करना है, जिससे कि उसको कहीं ना कहीं वो साइड में है तो उसे एक नॉर्मल साजिश का लिफ्टिंग का जो भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उधर की साइड पेशेंट को क्या करना है, शिफ्ट करना है। देन जो भी आपके वर्कर्स हैं उनकी हेल्प से ईजिली उन्हें पेशेंट को क्या करना है, अच्छे से व्हील चेयर या स्ट्रेचर पर शिफ्ट करना है, जिससे कि पेशेंट को कोई ना कोई डिस्कम्फर्ट या प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इस तरह से पेशेंट को ईजिली क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे और प्रॉपरली उसको अच्छे से होल्ड करना है, जिससे कि पेशेंट कहीं ना कहीं फॉल ना हो और कोई ना कोई इंजरी होने से हम प्रिवेंट कर सकें। इस तरह से क्या है, उसको लिफ्टिंग करने के लिए मैक्सिमम 3 या 4% होना चाहिए, जिससे कि ईजिली हम पेशेंट को शिफ्ट कर सकें बेड से कहाँ पर, स्ट्रेचर या व्हील चेयर के पास। देन इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को ईजिली शिफ्ट करके और कहीं ना कहीं उसे तो बाद में शिफ्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने लिफ्टिंग और ट्रांसफरिंग के बारे में डिस्कशन किया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। देन इस टॉपिक के नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करें और ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू।